मोमो खाने के वास्ते। तो चले आइए, देखिए ये दार्जिलिंग से मशहूर मोमो आ गया है, जो दार्जिलिंग से उत्तर हमारे मुजफ्फरपुर शहर में आ गया हुआ है। हम सबसे खाटा मीठा एवं चटपटा स्वाद लेकर मोमोज खाने का मजे कुछ और है। तो आइए डियर मोमो के बारे में बताते हैं। तो आइए, हमारे साथ अंकल जी जुड़ चुके हैं। तो अंकल जी बताइए मोमोज के बारे में, मोमोज कैसा बनता है, किस तरह का फ्लेवर है, कैसा कैसा है, कैसे कस्टमर को डील करते हैं और क्या क्या खिलाते हैं। पनीर चीज के हाफ 60 के फूल और नॉनवेज 90 के हाफ 70 के फूल, मटर 65 के हाफ 110 के। मोमोज कैसे बनाते हैं, मोमोज कैसे बनाते हैं, क्या क्या की आवश्यकता पड़ती है आपको मोमोज बनाने में? जी मोमोज बनाने में जिस तरह होता है, आपको मैदा लगाते हैं या क्या लगाते हैं, भेजते हो सब भैया बताइए कि कौन कौन सा मोमोज बना हुआ है, कैसा कैसा मोमोज बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। वेज पीस के हाफ 40 के फूल जी, पनीर पीस के हाफ 60 के फूल, नॉन वेज 35 के हाफ 70 के फूल जी, और मटर मोमो 65 के हाफ 110 के फूल। अच्छा बिल्कुल, वो तो आपका रेट लिस्ट बता दिए। तो मोमोज कैसे बनता है जरा दिखाइएगा मोमोज कैमरा मैन, देखिए मोमोज का एक पूरा किया हुआ है जो बनाया। वेज मोमोज है, पनीर मोमोज है, नॉन वेज है, और देखिए मोमोज आप छान के भी यहाँ देते हैं। तो मोमोज के बारे में बताइएगा कि मोमोज में कैसे बनता है मोमोज? मोमोज में अरे चिकन डलता है जी, प्याज डलता है, मसाला डलता है। मसाला में क्या क्या यूज करते हैं? मसाला में चिकन मसाला, मीट मसाला, और वेजिटेबल का, वेजिटेबल बनाने के लिए उसमें आप गाजर, बंधा गोभी, शिमला मिर्ची। अच्छा अच्छा, तो गाजर, बंधा गोभी, ये सारे सब सब्जी को इकट्ठा कर उसको अलग अलग टुकड़े में काट कर मिक्स करके फिर उसमें डालते हैं, मिक्सी में डालकर और फिर उसको बनाते हैं। अच्छा, चटनी का क्या फ्लेवर है, चटनी कौन कौन सी चटनी है इसमें? चटनी इसमें तीखा वाला है, सजवान चटनी है, और अदरक लहसुन का चटनी होता है, सूप है, मेन्यूज है। अच्छा, ये मेन्यूज सब कुछ डालते हैं, तो ये सारे चटनी है, तो ये सारे चीज को इकट्ठा कर पीस कर डालकर फिर बनाते हैं। इतना मेहनत लगते है एक शॉप खोलने के वास्ते, एक शॉप में इतना खर्चा का कर तब वो यहाँ आकर बेचते हैं। तो ये मानने वाली बात है कि लोग अपने पेट को पालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, अपने घर द्वार और बच्चे को पालने के लिए इतना दूर पड़ता है। ये आज से नहीं, लगभग 10 साल से है। तो हमने आया है मुजफ्फरपुर पहली बार, तो सोचे कि खाने का, तो हम लोग खा चुके हैं, अभी अभी खाए हैं, प्लस में ये जानना चाहते हैं कि हमारे भैया जो है बना रहे हैं, किस तरह से बना रहे हैं, कस्टमर को किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरह से कस्टमर को दे रहे हैं। तो वो अभी बता है कि इस तरह सारे को इकट्ठा कर बनाते हैं और वहाँ से ठेला लेकर आकर यहाँ बेचते हैं। तो बताइए कस्टमर यहाँ खाने के बाद कैसा व्यवहार आपके साथ है कस्टमर का? व्यवहार ठीक है, व्यवहार हमारा पुराना दुकान है, बहुत दिन से है, 12 साल से है, कस्टमर बहुत दूर से आते हैं। अच्छा, ऐसे भी बहुत दूर 2-3 किलोमीटर से आते होंगे? नहीं, पहले आते थे, अभी कंपटीशन में दुकान से बहुत खुल गया है। अच्छा अच्छा, देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं बहुत सारा दुकान खुला हुआ है, पहले जो है एक नहीं बहुत सारा दुकान का, फुटका, मोमोज और यहाँ तक काटा बनाता हर चीज का खुला हुआ है। आप बताइए यहाँ आप इस सेल में, तो आपका सेल की ग्रोथ में ज्यादा, फिर भी आप कैसे मेंटेन करते हैं, किस तरह से आप अपना? कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा हो गया है, तो और भी दुकान है। कितना दुकान है आपके पास? मेरे पास 5-7 दुकान। अच्छा, तो जान सकते हैं कि हमारे भैया के पास 7 दुकान है, 1-2 नहीं, 7 दुकान, 7 दुकान में ये खुद एक चलाते हैं, और इनका घर में 2 बेटा है, 2 बेटा चलाते हैं, और कुछ फैमिली मेंबर है जो वो भी चलाते हैं। तो दर्शक जान सकते हैं कि यहाँ बहुत परिश्रम करने के बाद 2 रुपया मिलता है, 2 रोजी रोटी मिलता है, अपने बाल बच्चा को सियान कर पोस कर। तो बताइए घर का मेंटेन आप कैसे करते होंगे? अच्छा, तो ये सारे चीज करके तब उसको आज घर मेंटेन आप करते हैं, कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर को सुविधा देते हैं। यहाँ ऑनलाइन की सुविधा है क्या? वाह, बहुत बेहतरीन चीज है। देखिए यहाँ कैश के साथ साथ ऑनलाइन का भी सुविधा करा दीजिए। यहाँ हमारे यहाँ देखिए पेटीएम का लगा हुआ है, ये ऑनलाइन का भी सुविधा करा रहे हैं। तो इतनी बड़ी, इतनी छोटे दुकान में इतना बड़ा, सबसे महाबचत लिखा हुआ दार्जिलिंग के मशहूर मोमोज, यानी हमारे दार्जिलिंग से होकर चली आई है मुजफ्फरपुर शहर में, जो मोमोज एक एक छोटा सा मिनी ढावा है, जो हर एक कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, खिलाते पिलाते हैं,
और मन मनोरंजन करते हैं। तो आइए दोस्तों, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब करते हैं नमस्कार। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए। वेलकम वेलकम वेलकम।